सब्सक्राइब कीजिए एएम मैथ्स ट्यूटोरियल्स को एंड बेल आइकन बटन को दबाइए फॉर लेटेस्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन एंड नोट्स के लिए। वेलकम सालाथ यू अगेन कॉल पेयर्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बाय इंजीनियरिंग स्टूडेंट जर्म के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है और बाकी जो हमारे बीएससी और के स्टूडेंट्स होंगे उनमें अगर स्टैटिक्स होगा तो ये छोटा पोर्शन है बहुत ही स्मॉल बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं जो पुणे यूनिवर्सिटी उसमें तो बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं आपको इस टाइप के। तो क्या है एक्चुअल में और इसके डेफिनेशंस क्या है और इस पे सॉल्व कैसे करेंगे इस पे टोटल डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने मीन डेविएशन देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशंस को सीख लिया अभी, उसके बाद कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो नाउ कम टू द पॉइंट्स that the measure of degree linear of relation between two variables, Karl Pearson developed a formula called correlation coefficient and correlation coefficient between two variable xy denoted by rxy is defined as rxy is equal to covariance of xy divided by मालूम है standard deviation of x and standard deviation of y. That is the standard deviation of x and standard deviation of y. So what is the covariance of xy? अभी हमने लिखा this is covariance of xy is equal to actual में क्या 1 upon n summation of xy minus x bar y bar. That is the covariance of xy. Standard deviation of xy क्या है आपका under root 1 upon n summation of x minus x bar whole square. Otherwise, this is 1 upon n summation of x square minus x bar whole square. That is, ये आपका रहा standard deviation. Standard deviation of y 1 upon n summation of y minus y bar whole square under roots. Otherwise, 1 upon n summation of y square minus y bar whole square. That is the standard deviation of covariance x and y. ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहां पे पुट अप कर देंगे दैट इज 1. सो फ्रॉम 1 ठीक है तो r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ दिस इज मतलब 1 अपॉन n समेशन ऑफ x y माइनस x बार y बार डिवाइडेड बाय तो हम एक ब्रैकेट में भी कर सकते हैं और स्क्वायर रूट है तो मल्टीपल होगा तो स्क्वायर रूट में हम कर सकते हैं मतलब 1 में आ सकता है आपका ठीक है तो एक पहले राइट अप कर देता हूं फिर देख लेंगे 1 upon n summation of x square minus x bar whole square second 1 upon n summation of y square minus y bar whole square ओके दैट इज देयर। सो ये के फार्मूला हो गया, इसको मॉडिफाई थोड़ा कर लेते हैं। R is equal to इसको one bracket में कर देते हैं और n LCM ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा xy minus nx bar y bar divided by n divided here इसको modify करना है तो summation of x square ठीक है minus nx bar whole square एक हो गया into सेकेंड इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो जाएगा और टोटल हम आ जाएंगे स्क्वायर रूट में ठीक है। तो अब एन एन तो कैंसिल हो गए एन एन कैंसिल हो जाएगा ये एन होगा तो वन अपॉन एन ये दोनों कैंसिल हो गए तो आर इज इक्वल टू एक्चुअल में क्या मिल गया हमारा फिर R is equal to हमें find हो गया summation of x y minus x bar y bar n x bar y bar and square root में तो summation of x square minus n x bar whole square and here summation of y square minus n y bar whole square so that is the formula ये रह गया आपका R ठीक तो एक ये use कर सकते हैं आप और ये use कर सकते हैं तो दोनों या तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सेपरेट फाइंड करिए दिस इज आर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई
divided by standard deviation of y, sigma x and sigma y. ठीक है, तो आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सेपरेट फाइंड करिए और पुट अप कर दीजिए, दैट विल गेट द आंसर्स. एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आर इज लाइ बिटवीन, जो आर की वैल्यू होती है वो लेस देन आर इक्वल टू लेस देन वन होती है. ये ध्यान में रखिए आप, आर जो होता है कोफिशिएंट कोरिलेशन जो होता है वो माइनस वन और वन के बीच में होगा या उनके इक्वल्स होगा, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो ये ध्यान में आपको रखना है, दैट इज द आर इज लाइ बिटवीन देम. ओके, अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, देखेंगे क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन. दैट इज अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बहुत बेसिक मतलब बेसिक है और बहुत सिंपल है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए. और एक फार्मूला है, तो सभी फार्मूलों को आपको याद रखना होगा, जब फार्मूले सब रिमेंबर हो जाएंगे तो आप जनरली सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, नो नाउ गो, तो टेकन सम प्रॉब्लम्स. So, मैं एक प्रॉब्लम्स ले लेता हूं अभी जो कि गिवन है मेरे पास. कहा जा रहा है कि फॉलोइंग आर द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड रॉ मटेरियल्स, फाइंड फिनिश फॉलोइंग आर द वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट एंड फिनिश प्रोडक्ट इन द सुटेबल यूनिट. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दो वैल्यूज दी हुई है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मतलब एक्स एंड वाई, यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, कोई भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा है यूनिट का, दैट इज दिस इज एक्स है दिस इज वाई है. ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट है कि फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कैलकुलेट दिस. तो कैसे करेंगे हम, तो दिस इज एक्स होगा वाई गिवन होगा और हमें जो रिक्वायर्ड्स होंगे उसके लिए हमें टेबल है, तो पहले हमें एक्स वाई तो फाइंड करने ही होंगे. तो एक्स वाई जो डिटेल्स गिवन है वो मैं ले लेता हूं अभी, 10 11 14 20 22 16 12 15 एंड 13. ठीक है, और y में है 12 है 14 है इसके ऑपोजिट 15 16 21 26 21 अगेन 15 एंड 15 के बाद 16 एंड 14. ठीक है, ये गिवन है, इतना डाटा हमारे पास गिवन है. तो अब हम कैसे को आर फाइंड करेंगे, तो पहले हमें जो रिक्वायर्ड्स होगा वो हम फाइंड करेंगे. आर इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, मींस दिस इज अंडर रूट 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड इज हियर 1 अपॉन n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार होल स्क्वायर. तो हमें x स्क्वायर y स्क्वायर की रिक्वायर्ड्स होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड x y, मतलब यहां पे हमें चाहिए दिस x स्क्वायर चाहिए y स्क्वायर चाहिए और फिर x y भी चाहिए. इतने नंबर ऑफ टेबल्स को हमें ड्रा करना है और मल्टीप्लाई करना है और पुट अप करना है. ओके, नाउ तो फर्स्ट वी ऑल दीज वैल्यू फाइंड आउट मल्टीप्लाई एंड देन गो फॉर द वर्क्स. तो स्क्वायर आपको कर लेना है 10 का 12 का समथिंग 1 बाय 1. तो नाउ क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्क्वायर है तो x स्क्वायर y स्क्वायर समथिंग कर लेंगे. x स्क्वायर मतलब इस 10 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है 121 14 196 14 196 20 400 22 484 16 256 12 144 एंड हियर अगेन दिस इज और फिर टोटल सम. तो टोटल सम 2291 आपके पास क्योंकि कैलकुलेटर आपको रहता है आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज 2291 ये टोटल सम कर लीजिए 170 एंड 147. दिस इज सिमिलरली वाई स्क्वायर मतलब दैट इज हियर
12 and 144, 196, 225, 256, something. That is here. Next, here इसके लिए आएंगे तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 10 इंटू दिस 122, 11, 154. Similarly, 14 and something. तो first you multiply and then you can calculate this is sum of. तो this is, ये हो गया आपका sum of x square, sum of x square and this is summation of xy. ठीक है? And this is summation of y, summation of x. तो पहला वर्क है कि हमें x bar, y bar चाहिए. x bar is equal to जाएगा summation of x upon n. तो n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. n is the 10. तो मतलब it means 147 upon 10. This is 14.7. ठीक है? Next, y bar. Summation of y upon n. 170 upon 10. That is 17. ये y bar मिल गया आपको. Next, logical things. अब x bar, y bar find जब होंगे, तो हम आप next work करेंगे. तो कोवेरियंस आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर वन बाय वन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैसे, जैसे आपको सुटेबल हो वैसे करिए, नो प्रॉब्लम कि हाउ टू कैलकुलेट दिस. तो पहला वर्क है, अब हम आर की तरफ आएंगे. 1 upon 10, ओके. समेशन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई 2638 माइनस एक्स बार वाई बार, सो दैट इज हियर 14.7 into 17. ठीक है? Here 1 upon n, this is 1 upon 10 into summation of x square. तो summation of x square means here 2291 under root है, then we minus x bar, मतलब 14.7 whole square. Second 1 upon 10 summation of y square. Y square means here 3056 minus 17 square. तो अब simplify करना है आपको, then he totally he got simplify. So that is the answer 0.94 9458. तो आप सिंपलीफाई, दैट इज योर वर्क. क्योंकि यहां पे मैं अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो टेकिंग द लार्जर टाइम्स. तो हियर फर्स्ट यू सिंपलीफाई. ठीक है? ओके. सपोज ये अगर ये डिनोमिनेटर ये नेगेटिव मिलता है तो क्या करेंगे आप, इन दोनों ब्रैकेट को कंबाइन कर देंगे, देन यू कैन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ आ रही है आपको बात? तो ये ध्यान में रखना है आपको. सो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए और सिंपलीफाई करिए. So take care, thank you. And एक another thing is important here, कि यदि आपको UV का use करना है तो आप UV का भी use कर सकते हैं. ठीक है? Summation, अगर U and V का use करना है तो आप UV use कर सकते हैं. मतलब कैसे, देख लीजिए, चूंकि two variables है तो यदि U is equal to क्या हो जाएगा, X minus A and V is equal to x माइनस बी यूज कर लेते हैं. ठीक है? सॉरी, y माइनस बी. सो दैट किस कोवेरियंस क्या होगा आपका, हमने पहले ही बताया था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ यूवी पिछले लेक्चर्स में. दैट इज योर 1 अपॉन n समेशन ऑफ यूवी माइनस यू बार वी बार. ठीक है? दैट इज योर. तो सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u, ये फाइंड करने होंगे आपको. दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u कैसे फाइंड करेंगे आप, 1 अपॉन n समेशन ऑफ u स्क्वायर माइनस u बार होल स्क्वायर अंडर रूट. दैट इज ओके. एंड समेशन ऑफ सिग्मा y स्टैंडर्ड v इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ v bar square. तो अब ये दोनों मतलब यहाँ पे आपको u v फाइंड करना है, फर्स्ट के बाद उसका मीन भी फाइंड करना है. तो इन दोनों का यूज करके आप सिंपलीफाई कर सकते हैं. तो जैसे भी सुटेबल कंडीशंस हो, मतलब r इज इक्वल टू हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ u v
डिवाइडेड बाय सिग्मा यू इनटू सिग्मा वी, ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जांपल, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम को आप चाहे तो चेक कर लीजिए, देन वी गेट द आंसर्स। नो नेक्स्ट, एक अनदर कोई प्रॉब्लम ले लेता हूं। मेरे पास जो प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कह रहे हैं कि n इज इक्वल टू 10 गिवन है, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 40 गिवन है, समेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 190 गिवन है, समेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 200 गिवन है, समेशन ऑफ x y इज इक्वल टू 150 गिवन है एंड समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 40 गिवन अगेन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि r को फाइंड करना है आपको। r इज इंपॉर्टेंट, बट r इज इक्वल टू के लिए हमें जो मीन तो फाइंड करने होंगे। तो मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x अपॉन n, तो 40 अपॉन n 10 दैट इज 4, y बार समेशन ऑफ y अपॉन n 40 अपॉन 10 दैट इज 4, ये फाइंड आउट हो गए। बाकी का वर्क तो इजीली हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ x y व्हाट, r इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ x y डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इनटू सिग्मा वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आप चाहे तो दोनों को सेपरेट फाइंड करिए, फिर यहां पर पुट अप कर दीजिए, दैट इज योर मेथड। तो कैसे आपको करना है वो आप देख लीजिए। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, 1 अपॉन 10 इनटू एक्स बार वाई बार क्या है व्हाट, 150, तो 150 माइनस 4 इनटू 4 मतलब हो गया माइनस वन, दैट वैल्यू इज माइनस वन, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 अपॉन n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट्स, सो कैलकुलेट दिस, 1/10 इनटू एक्स स्क्वायर मींस व्हाट 190 माइनस एक्स बार मतलब 16 हो जाएगा, तो दैट इज 3, ओके। टोटल ये हो जाएगा 90 माइनस 16 दैट इज रूट 3, क्लियर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y व्हाट, 1 अपॉन n समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस y बार होल स्क्वायर दैट इज अंडर रूट, सो वी गेट 1 अपॉन n, तो 1/10 इनटू समेशन ऑफ y स्क्वायर वेयर 200 16, क्योंकि y बार इज 4 फाइंड किया आपने, दिस इज 4 16, तो 4 दिस इज 2, सो कोवेरियंस ऑफ x y माइनस 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 3 इनटू ये 2 हो जाएगा, मतलब ये हो गया माइनस 0.50 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज योर आंसर, माइनस 0.28 समथिंग मिलेगा आंसर, माइनस 0.28। ट्राई करिए मैक्सिमम 4 डेसिमल तक आप फाइंड आउट कर लीजिए, दैट इज योर राइट ऑन द 4 डेसिमल तक, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्योंकि r की जो वैल्यू है ये माइनस 1 लेस देन r लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसके पहले है ना, सो दैट इज द करेक्ट। सो इस तरह से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स, ओके। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। यदि आपको ये नोट्स कैसे लगे स्टूडेंट्स, तो आप जरूर फीडबैक जरूर दें। फीडबैक कैसे देंगे आप, मेरे कमेंट्स बॉक्स जो होगा, कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट्स दें, आपको हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कुछ क्यूरीज हो तो प्लीज़ अगेन टेल मी, मैं उसमें कुछ और इम्प्रूव करूँगा जिससे और आपकी हेल्प होगी। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।